गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? मजे में ना विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी प्रवेशिका पार्ट 3 में चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। शब्द बनाना, वर्ड फॉर्मिंग, पढ़ो और समझो। तो यहाँ पे हमें शब्द दिए गए, वो हम पहले पढ़ेंगे। आम, इनोक, अंगूर, इमली, एक, अजगर, ईंक, औरत, उल्लू, पोखली, ऊन, ऋषि। दो नंबर में खाली स्थान में सही अक्षर लिखकर शब्द पूरा करो और पूरा शब्द फिर से लिखो। तो हमें यहाँ ऊपर से देख के नीचे जो चित्र है उसके सामने खाली जगह में वो शब्द, एक वर्ण मिसिंग है, वो वर्ण लिखने के बाद वो पूरा जो शब्द बनता है वो यहाँ पे नीचे लाइन में लिख देना है। तो यहाँ पे अजगर का चित्र है तो हम खाली जगह जगर तो अ लिख देंगे, तो यहाँ पे अजगर शब्द बनेगा। यहाँ पे ऋषि का चित्र है तो खाली जगह शी तो हम री लिख देंगे, तो यहाँ पे इसी शब्द बनेगा, वो लिख देंगे। बाद में ही यहाँ पे आम का चित्र है, खाली जगह म, तो खाली जगह में हम आ लिख देंगे, तो आ म शब्द बनेगा, वो यहाँ पे लिखेंगे। बाद में यहाँ पे एक लिखा है हिंदी अंक में, तो यहाँ पे शब्द में खाली जगह क तो ए लिखेंगे, तो एक शब्द बन जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे। बाद में है इमली का चित्र, खाली जगह मौली तो हम ई लिख देंगे, तो इमली शब्द बन जाएगा, वो यहाँ पे हम लिखेंगे। यहाँ पे ए नक दिख रहे हैं तो खाली जगह न क तो ए लिख देंगे, तो एनक शब्द बनेगा, वो यहाँ पे हम लिखेंगे। यहाँ पे ईक का चित्र है, खाली जगह ख तो दीर्घ ई हम लिखेंगे, तो ईक शब्द बनेगा, वो यहाँ पे हम लिख देंगे। यहाँ पे ओखली का चित्र है, खाली जगह खली तो हम ओ लिखेंगे, तो ओखली शब्द बनेगा। बाद में है उल्लू का चित्र, खाली जगह लू तो हम ऊ लिख देंगे, तो उल्लू शब्द बनेगा, वो यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे एक लेडी यानी औरत दिख रही है, खाली जगह र तो औ लिखेंगे, तो औरत शब्द बनेगा, वो यहाँ पे हम लिख देंगे। बाद में है ऊन, खाली जगह न तो ऊ हम लिख देंगे, तो उन शब्द बनेगा, वो यहाँ पे हम लिखेंगे। यहाँ पे ग्रेप्स यानी अंगूर का चित्र है, खाली जगह गुर तो हम लिखेंगे, तो अंगूर शब्द बनेगा। आगे है पढ़ो और समझो, तो यहाँ पे बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, वो हमें पहले पढ़ने हैं। कमल, मगर, पतंग, रथ, थर्मस, यज्ञ, टमाटर, जग, बस, नल, ढकना, घर, चरखा, डफ, भगत, हल, धनुष, हल। बाद में यहाँ पे नीचे खाली स्थान में सही अक्षर लिखकर शब्द पूरा करो और पूरा शब्द फिर से लिखो। आगे हमने देखा उसी तरह यहाँ पे चित्र है और एक खाली जगह है और एक वर्ण लिखा है, तो उसमें सही वर्ण लिख के वो पूरा शब्द बना के नीचे वापस लिख देना है। तो पहला है घर का चित्र, खाली जगह र तो यहाँ पे घर लिखेंगे, तो घर शब्द बन जाएगा, वो यहाँ पे हम लिख देंगे। बाद में है बस का चित्र, खाली जगह स तो हम ब लिख देंगे, तो बस शब्द बनेगा, वो यहाँ पे लिख देंगे। मगर,
खाली जगह ग र, तो यहाँ पे ग लिखेंगे तो मगर शब्द बन जाएगा, वो यहाँ पे हम लिख देंगे। आगे है नल का चित्र, खाली जगह लो तो यहाँ पे न लिखेंगे तो नल शब्द बन जाएगा। यहाँ पे हल, जिससे हम खेत में चलाते हैं, खाली जगह लो तो खाली जगह लो तो उसमें ह लिख देंगे तो हल शब्द बन जाएगा। यहाँ पे कूड़ा, कूड़े के साथ रथ जुड़ा है तो रथ शब्द बनेगा, यहाँ पे रथ लिख देंगे। यहाँ पे पतंग का चित्र है, खाली जगह तंग तो प लिख देंगे तो पतंग शब्द बन जाएगा। यहाँ पे टमाटर का चित्र है, ट मा ट र, तो हम यहाँ पे ट लिख देंगे तो टमाटर शब्द बन जाएगा। यहाँ पे ढकना का चित्र है, खाली जगह कना तो हम ट लिख देंगे तो ढकना शब्द बन जाएगा। बाद में है धनुष का चित्र, खाली जगह नुष तो हम त लिख देंगे तो धनुष शब्द बन जाएंगे। बाद में है डफ, तो खाली जगह फ तो हम ड लिख देंगे तो डफ शब्द बन जाएगा। बाद में है थर्मस, जिसमें हम चाय कॉफी गर्म रहे इसलिए फटते हैं, उसको थर्मस बोलते हैं। थर्म खाली जगह तो वहाँ पे थर्म हम स लिख देंगे तो थर्मस शब्द बन जाएगा। बाद में है जग का चित्र, खाली जगह ग तो हम ज लिखेंगे तो जग शब्द बन जाएगा, वो यहाँ पे हम लिखेंगे। बाद में ही चरखा, खाली जगह रखा तो च लिखेंगे तो चरखा शब्द बन जाएगा। भगत का चित्र है, खाली जगह ग तो हम भ लिखेंगे तो यहाँ पे भगत शब्द बन जाएगा। कमल का चित्र है, खाली जगह मल तो क लिख देंगे तो कमल शब्द बन जाएगा। यहाँ पे यज्ञ का चित्र है, यानी हवन, य लिखा है, खाली जगह में हम न ज्ञ लिख देंगे तो यज्ञ शब्द बन जाएगा। यहाँ पे फलों की टोकरी भरी हुई है, तो ये है सारे फल, तो खाली जगह लो तो यहाँ पे हम फल लिख देंगे तो फल शब्द बन जाएगा, वो यहाँ पे हम लिख देंगे। बाद में आगे है पढ़ो और समझो, यहाँ पे भी शब्द दिए गए हैं, वो हम पहले पढ़ेंगे। लड़का, गाय, इमली, चूहा, गौरैया, पतंग, ऐना, सूरज, बकरी, बंदर, बगीचा, दवा। आगे यहाँ पे है अक्षरों को सही क्रम में लिखकर सार्थक शब्द बनाओ, यानी यहाँ पे जो शब्द लिखे गए चित्र है उसके अनुसार जो शब्द लिखे गए है वो क्रम में नहीं है, तो उसे क्रम में लिख के हमें सार्थक शब्द बनाना है। तो यहाँ पे गाय का चित्र है पर यहाँ पे लिखा है यगा, तो हम इसको क्या सही क्रम में सार्थक शब्द बनाएंगे तो गाय। बाद में है पतंग का चित्र, तो यहाँ पे लिखा है तंग प ग, तो ये क्रम में शब्द अक्षर नहीं है, तो क्या सही क्रम बनेगा, पतंग। बाद में है सूरज का चित्र, चर सु, तो हम यहाँ पे सही क्या लिखेंगे उसका क्रम अक्षरों का, तो क्या शब्द बनेगा, सूरज। बाद में है बकरी का चित्र, तो यहाँ पे लिखा है री ब क, तो सार्थक शब्द क्या बनेगा, ब क री। बाद में यहाँ पे बंदर का चित्र है, द बन र, तो सही शब्द क्या बनेगा, बंदर। यहाँ पे इमली का चित्र है, मौली ई, तो सही शब्द क्या बनेगा, इमली। यहाँ पे लड़के का चित्र है, तो काल का ड, तो यहाँ पे सही शब्द बनेगा, लड़का। यहाँ पे हमें बहुत सारे पेड़, चूल्हे आदि दिख रहे हैं, तो इसे चित्र को हम क्या कहेंगे, बगीचे का चित्र, चागी ब, तो सही शब्द बनेगा, बगीचा। यहाँ पे चूहा का चित्र है, हाचू, तो सही शब्द बनेगा, चूहा। यहाँ पे साइका,
इसमें स्याही भरी होती है वो हम पेन में डालते हैं। इसी पहले पेन आती थी तो उसको दवात बोलते हैं, दवा द। तो यहाँ पे हम सही शब्द क्या लिखेंगे, दवात। आगे यहाँ पे देखो इनक का चित्र है, न एक, तो सही ना शब्द क्या बनेगा, इन। यहाँ पे चिड़िया यानी गोरैया का चित्र है तो रो रई गा रैया गौ, तो गोरैया शब्द बनेगा। थैंक यू।